मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ, सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे यहाँ राजस्थान में राम राम का दिन कहा जाता है, यानी आज के दिन दिवाली की बधाइयां सबको दी जाती हैं। तो आज एक बार फिर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल मन की आंखों से में भी मैंने आप सबको मुबारकबाद दी, और आज एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन कई जगहों पर, खासकर गुजरात में, नए साल का प्रारंभ भी माना जाता है, तो नववर्ष की भी इसके साथ ही शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, हाजिर हूं प्रोग्राम हमराही लेकर के, हमराही प्रोग्राम जिसमें हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आपको नई नई कहानियों से रूबरू करवाया जाए, दिव्यांग साथियों के संघर्ष को आप सबके सामने लाया जाए। लेकिन संघर्ष कौन सा? वो संघर्ष जो कहीं ना कहीं समाज और परिवार के बीच में उनके साथ रहता है, हमेशा चलता है, उसी संघर्ष की बात करने का नाम है हमराही। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े नामों को तो आप किसी भी मंच पर सुन लेंगे, लेकिन हम ऐसे लोगों से रूबरू करवाना चाहते हैं जिनको शायद कोई मंच नहीं मिलता हो। कुल मिलाकर के हमेशा से हमारा प्रयास रहता है कि प्रथम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो है समाज का, उसके संघर्ष को, उसकी जद्दोजहद को आप सबके साथ रूबरू करवाया जाए। तो दोस्तों, आज भी हमारा हमराही का कारवां चलते 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 18वें एपिसोड तक आ गया है। और आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो महाराष्ट्र से हैं, और इस कार्यक्रम में पहली बार महाराष्ट्र की एंट्री हो रही है। तो हमारे लिए भी ये एक अच्छी बात है कि नया राज्य, नए लोग, नई बातें। तो चलिए स्वागत कीजिए निलेश नाइक और उनकी धर्म पत्नी शारदा निलेश नाइक जी का। और दोस्तों, निलेश पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है और शारदा जी जो है उन्हें काफी रोशनी है, दिखाई देता है, उन्हें आप लो विजन की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिन्हें आंशिक रूप से दिखाई देता है। और ये दोनों ही एक तरह से कहना चाहिए कि बेरोजगार है, इनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इस छोटे से परिवार को किस प्रकार वो आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई और आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं, यही सब जानने समझने का प्रयास करेंगे आज हम इस कार्यक्रम में। तो निलेश जी और शारदा जी, आप दोनों का हमारे इस हमराही प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शारदा जी, आप भी धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जी, बहुत अच्छी बात है। तो निलेश जी, ये बताएं कि महाराष्ट्र में कहां से बिलोंग करते हैं आप? जी सर, महाराष्ट्र में ठाणे जिले में भिवंडी तहसील है, जो कि आशिया में जाना पहचाना शहर है भिवंडी, जो कि कच्चा कपड़ा बनाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, यंत्रमाग बोलते हैं, यंत्रमाग के जरिए से कच्चा कपड़ा का बहुत सारा यहाँ पे व्यापार चलता है, मैन्युफैक्चरिंग चलती है जी। तो वैसे तो हमारा मूल रूप से भिवंडी शहर में ही घर है, मतलब मेरे माता पिता का,
और भिवंडी तहसील के अंतर्गत मेरे मैं छोटे से गांव में अभी अलग से रहता हूँ, क्योंकि वो घर छोटा है मेरा, मूल वाला घर। उस गांव का नाम क्या है जिसमें आप रहते? अभी ये भी छोटा सा एक शहर है, अंबाड़ी नाम है, अंबाड़ी। अंबाड़ी, हाँ। बहुत अच्छी बात है नरेश भाई। तो अभी ये बताएं नरेश भाई, देश भर में चारों तरफ कोरोना कोरोना चल रहा है और महाराष्ट्र भी हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है, तो आपके आसपास क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के? जी सर, परिस्थिति तो जुलाई और अगस्त के मिडल तक बहुत ही दर्दनामक परिस्थिति हुई थी हमारे यहाँ भी, और बल्कि हमारे बीच में मतलब एक हाईवे जाता है, वो मतलब नजदीकी सामने वाले अस्पताल का जो मेन डॉक्टर था वही पेशेंट के रूप में पाया गया था, वही पॉजिटिव हो गए। अच्छा, वही पॉजिटिव हो गए थे, तो काफी मतलब ऐसा दुखदायक वातावरण, ऐसा डर सा माहौल छाया हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल तो सब बराबर से चल रहा है, अभी डेली रूटीन थोड़ा बहुत से मतलब सरल रूप से आ गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। तो नीलेश भाई, आपने थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, आपने क्या पढ़ाई की है और वर्तमान में आप कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी सर, थैंक यू। तो मैंने 12वीं कक्षा तक आर्ट्स में पढ़ाई की है, और 12वीं की मैंने एग्जाम पास आउट 2003 में की थी, फर्स्ट क्लास में आया था, 68% में आया था, और उसके बाद मैं डीएड की कोशिश की थी, तो फॉर्म भी भरा था, लेकिन मिस गाइडेंस या फिर मेरा भी आगे जाके अज्ञान था, मैं रूरल एरिया में पढ़ा था तो मुझे कुछ इतना ज्ञान नहीं था डीएड के बारे में, फिर भी मैंने फॉर्म तो भरा था, लेकिन आगे जाके वो कौन से पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट ऐसा लिस्ट आते तो चूक गए। तो बाद में मैंने रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक का आईटीआई किया है। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज, हाँ, फ्रिज। एसी मैकेनिक के को मतलब आपने उसकी जानकारी लेने वाला जो कोर्स होता है आईटीआई में? हाँ, आईटीआई। ओके, तो फिर ये मतलब आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, जी सर। जब ये कोर्स आपने किया तब दिखाई देता था आपको? जी सर, मेरी अभी वो टाइम की परिस्थिति ऐसी थी कि जन्म से ही मेरी आंख एक दृष्टि बाधित थी, और दूसरी आंख जो थी उसका भी लगभग मतलब बहुत जाड़ा भींग जैसा चश्मा था, लगभग अभी +6 के आगे नंबर रहेगा शायद, अभी भूल चुका हूँ, माफ कीजिए सर जी। तो वो टाइम पे मैंने नॉर्मल रूप से पढ़ाई की, लेकिन पहले बेंच पे या फिर एकदम अपना बोर्ड रहता है ब्लैक बोर्ड के एकदम क्लास टीचर के टेबल के नजदीक ही जाके मतलब देखना पड़ता था लिखने या देखने के लिए। नहीं, लेकिन इसमें तो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है ना आईटीआई में तो काफी। हाँ जी सर, जी सर। तो ये एसी एसी को ठीक करना, फ्रिज को ठीक करना, ये सब सीखने में आपको दिक्कत नहीं आई? वो टाइम तो सर दिक्कत नहीं आई थी, वो टाइम बराबर से काम चल जाता था। अच्छा, और अभी आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान में तो सर मैं 2 साल से मैं लेट ब्लाइंड हो चुका हूँ, तो जो जिस आंख से मुझे दृष्टि थी तो उसको मुझे रेटिनल डिटैचमेंट की डॉक्टर ने डायग्नोसिस कराई, तो उसके डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन किए इस 2 साल के भीतर में। मेरी दृष्टि अधू होने की लगभग समय है, जुलाई 18 से मैं घर पे बैठा हूँ, और अभी तक इस सिचुएशन में 2 ऑपरेशन किए, और डॉक्टर ने बाद में ऐसा रिजल्ट जारी किया कि आपकी अभी ऑप्टिकल नर्व जो है वो सूख गई है, तो इसके कारण ये आपकी दृष्टि चली गई। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आप जॉब कोई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर, अभी मैं तो जब भी ये किया आईटीआई किया तो उसके ठीक 2003-05 में 2 साल में मैंने आईटीआई किया, बाद में मैंने एक साल की अप्रेंटिसशिप दी थी वो कंप्लीट की, बाद में मैंने 2008 से ब्लू स्टार लिमिटेड वाड़ा में एज अ ऑपरेटर पोस्ट पे मैं परमानेंट हो गया था, मतलब 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है पहले तो नया, और मैं और उसके बाद मैंने मतलब सितंबर 2008 से मैं अब तक वहाँ पे काम पे हूँ, एज अ परमानेंट हूँ ऑपरेटर पोस्ट पे। ठीक है,
लेकिन मैंने वहाँ पे रिजाइन नहीं दिया है, लेकिन कंपनी को सब इन्फॉर्म करके हो गया है। तो कंपनी ने मुझे बताया कि मतलब फेस टू फेस मेरा और उनका कहना नहीं हुआ, लेकिन एचआर ऑफिसर ने मुझे ऐसा कहा कि कॉलिंग करके कि आपका ऐसा सिचुएशन हो गया है तो आपका जो ये जमा राशि है लीगली वो आप ले सकते हैं और थैंक यू बोले बस। मतलब काम के तरह से कंपनी ने आपको निकाल दिया है? हाँ निकाल दिया, मतलब ऑब्जेक्शन तो और ऐसा लेटर वगैरह कोई ऐसा लीगली दिया तो नहीं है? दिया नहीं है, एक तरह से आपको उन्होंने चूंकि अब आप उनके लिए उपयोगी नहीं है, आपकी रोशनी बिल्कुल चली गई है, तो कंपनी ने आपको निकाल दिया है और आज की तारीख में आपका किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम आपका खुद का नहीं है। मतलब जी सर, जी सर। अच्छा शारदा जी, नीलेश जी के बारे में तो काफी कुछ जाना हमने, आप थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताइए आराम से, कोई चिंता नहीं, आराम से बताइए। जी मेरी भी पढ़ाई तो मतलब 14वीं हो गई और मैंने भी एक ITI का कोर्स किया। आपने कौन से ब्रांच में कोर्स किया है? वो तो मैं थाना में एक मतलब लड़के लोग का ही था ना, उसमें किया, लेकिन उसमें वो हेयर एंड स्किन केयर मतलब ब्यूटी पार्लर का कोर्स था और डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग और ब्रॉच मेकिंग जो जो था वो सब मैंने किया उधर ही पूरा साल भर का। अच्छा हाँ। और मतलब शादी के पहले ही? शादी के पहले, बिल्कुल पहले ही, वो भी अभी हम पूछेंगे। तो अभी जैसे निलेश ने बताया कि उनका कोई जॉब नहीं है, फिर अभी घर खर्च कैसे चलता है, घर का काम काज? अच्छा तो सर कैसा है अभी मैं ना कैसा लेडीज का जो सामान रहता है ना मतलब चूड़ी रहेगी कुछ फूलों क्लिप वगैरह सब एक कटलरी का मतलब ज्वेलरी का ये सब ना मैं कैसा हमारे इधर अंबाड़ी में हम लोग रहते हैं ना तो अंबाड़ी में इधर ब्रिज एक स्काई वॉक गया है तो उसके नीचे ना मैं ठेला लगाती उधर लगाते हाँ ठेला लगाती हूँ। अभी कैसा ये भी घर पे बैठ गए और कुछ नहीं करेंगे तो सब मतलब टेंशन ही हो जाता है ना तो मैं उधर छोटा सा ठेला लगाया है उसमें सुबह जाती हूँ शाम में घर पे आती हूँ ऐसा करके मतलब घर चल रहा है हमारा। बाप रे बाप। अच्छा तो शारदा जी मुझे बताएं कि कितनी बजे निकलते हैं आप काम पर? मैं इधर 8:30-9 बजे मेरा जाने का टाइम मतलब सुबह। और वापस आने का? तो वापस आने का मैं 7 बजे के बाद ही 7:30-8 बजे घर पे आ जाती हूँ। दिन में खाना वगैरह? खाना मैं सुबह उठ के जल्दी उठ के सब मतलब इनके लिए भी बना के रखती हूँ, सुबह हम दोनों भी साथ में नाश्ता करके मेरा टिफिन लेके जाती हूँ और इनके लिए भी दोपहर का खाना रख के जाती हूँ और रात में शाम में आने के बाद शाम का खाना। अर्धा जी वो चल जाता है घर का मतलब महीने भर का खर्च निकल जाता है आप जो अभी देखो ये तो 2018 से बैठ गए ना तभी से मतलब मैं कैसे जब भी मैं वो हेयर एंड स्किन केयर का कोर्स किया ना तो मैं और एक जगह पे जॉब करती थी किधर वो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट वो बाल कामगार बच्चे लोग रहते है ना उसके ऊपर मेरा मास्टर ट्रेनर की पोस्ट थी मतलब थाना में ऑफिस उनका तो उधर मैं काम पे जाती थी लेकिन इनका ये ऐसा हो गया तो मैं काम छोड़ दिया। कैसा उधर तो सैलरी मतलब मानधन बोले सैलरी नहीं बोल सकते मानधन मेरे को खाली 5,000 था और वो काम पूरा भिवंडी में और थाना में था तो वैसा इधर हम लोग अंबाड़ी में रहे तो इधर से 5,000 में तो कुछ होने वाला नहीं था हम लोग भाड़े पे और भाड़ा भरना ये करना वो करना तो नहीं जमा और उनके ऊपर ध्यान कौन देगा ये मेरे को और तकलीफ होगी वो तो मैं जॉब छोड़ दिया वो भी मैंने 8 साल मतलब जॉब किया मैंने भी लेकिन उधर कैसा मानधन के ऊपर था तो कुछ ये बढ़ाते नहीं कुछ नहीं हुआ तो मैं बोली अभी इतना मैं कैसा चलेगा ये भी घर पे बैठ गए दवा खाना चालू था सब चालू था तो मैं छोड़ दिया और थोड़ा ऐसा सोचा इधर हमारे इधर कैसा टपरी वपरी सब उठा दिया था ना ब्रिज के नीचे जो लगाया था ना लोगों ने वो उठा दिया था लेकिन कोई कोई सा टोकरी लेके बैठ रहे थे उधर मतलब थोड़ा थोड़ा बेचने को तो मैं क्या किया वो मेरा आइडिया हुआ था ना तो उसमें हम लोग को फूल बनाने को सिखाया था जो बाल में डालते जी जी शादी में वगैरह नहीं क्या डालते वो ब्रॉच बोलते हैं बिल्कुल 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 जी हाँ सब हाँ हाँ तो वो फूल में खुद बनाती थी पहले वो मेरा शौक ही था मतलब अलग कुछ नई चीज सीखने का तो पहले से मेरा शौक था और मैं आईटीआई में लिया तो और मेरा शौक बन गया तो वो फूल बनाना मैंने मतलब शुरू किया और वो फूल लेके भी छोटी सी टोकरी लेके वो ब्रिज के नीचे जाके बैठी बोले अभी करेंगे क्या भगवान का नाम लिया मन में चलो बाबा अभी जाके बैठेंगे जो होएगा वो देखा जाएगा हाँ देखा जाए तो पहले दिन में लेके गई छोटे से टोकरी में
फूल बेचा, मैं घर पे आई, बोली चलो कुछ तो होएगा। ऐसे करते करते हम लोग वही में वो फूल तो बेचती थी और बाद में वो नेल पेंट लाना, क्लिप लाना, ऐसा छोटा छोटा करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो उसके ऊपर तो अभी हम लोग का चल रहा है। मुझे बताओ ना, अभी आप मुझे बताए कि एक महीने का कितना खर्च निकाल लेती हैं आप इस काम से? इस काम से तो मेरे को मतलब 10-12 हजार निकल जाता है। अरे वाह, घर चल रहा है, चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है? मिल रही है आराम से, मतलब उतना तो। दादाजी अभी लॉकडाउन था जब, तभी भी आप जाते थे उधर? क्या हुआ, लॉकडाउन था तभी इधर कैसा बहुत मतलब इन्होंने बताया कि हमारे इधर डॉक्टर मिल गए तो पूरा बंद कर दिया, लेकिन मेरा सामान कैसा, वो खराब होने वाली चीज नहीं थी ना, मतलब अभी भी नहीं है, मतलब रख सकते, तो सामान तो मैंने रखा लेकिन लगाने नहीं दिया। ये लोग ना किसी को भी कुछ लगाने नहीं दिया था, लेकिन 8 दिन तो हम लोग ऐसे ही घर पे बैठे तो कुछ नहीं लगाया। और बाद में क्या हुआ, इधर फल का दुकान चालू हो गया, किराना चालू हो गया। अच्छा। और मेरा तो कैसा है, कटलरी का था तो मेरे को नहीं जमा, मतलब कटलरी लगाने नहीं दी पुलिस लोग ने, कि नहीं लगाने का बाबा, तो मैं लगाने गई भी नहीं, कैसा वो पहले ही बोलेगा खाली फल लगेगा और किराना सामान वगैरह लगेगा जी। तो मैं ऐसा, हम दोनों ने बैठ कर ऐसा सोचा कि अभी तो अपना दुकान बंद है, अपना घर चलाने वाला तो अपन ही है, मतलब बाहर जाएगी लेके आएगी तभी अपना घर चलने वाला। तो हम दोनों ने ऐसा बैठ के सोच लिया कि अपन फल बेचेंगे तो कैसा होगा। एक फल वाला था, मतलब इधर सब पार्सल करता है ना फल, तो ऐसे मैं नाके पे गई एक दिन, तो वो फल दे रहा था दूसरे लोग को बेचने को, तो उसको मैंने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा आदमी का भी है लेकिन मेरा दुकान तो अलग है, मेरे को फल का तो कुछ मतलब ये नहीं है, तो मेरे को नॉलेज भी नहीं बेचने का। सही है। तो वो बोला ठीक है, तेरे मतलब आदमी का ऐसा है और घर भी कैसा चलाएगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा फल ला के देता हूँ तेरे को, तू ऐसा ऐसा बेच। उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से मतलब गाइड किया, समझा दिया, ठीक है, हाँ समझा दिया। तो मैं वापस घर पे आ गई, इनको बोली ऐसा ऐसा है करने का, क्या क्या करेंगे, तो मेरे को बोले आपको जमेगा क्या, पहले तू सोच देख। मैं बोलेगा हाँ तू जा तो तू जाएगी, ऐसा मत कर, लेकिन तू खुद सोच कि तेरे को जमेगा क्या, तो तू निकल। तो मैं बोली ठीक है चलो, अभी जमाना तो ऐसा मतलब चाहिए ना, तभी अपने को सही, घर चलाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, करना ही। तो मैं ऐसे ही पहले दिन डरते डरते गई, सुबह 7 बजे से निकली, 7:15 बजे घर से गई, तो उधर मतलब वो आए थे पहले से, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे को केला संतरा ये 2-4 फल दिया, लगा के दिया, ऐसा करना वैसा करना ऐसा मेरे को बता दिया। तो वो लॉकडाउन में हम लोग वही काम किया, बस उससे मेरा घर चल गया। तो मतलब हमें दो ढाई महीना तो वही काम किया, बाद में इनको भी लेके जाती थी साथ में, कैसे आजू बाजू में भी कोई नहीं था उधर, क्योंकि फल का दुकान इधर उधर किधर भी लगाते थे ना सब जन, मतलब तो बाजू में ऐसा अकेली बैठती थी, तो इनको बोली घर में बैठने से अच्छा चलो साथ में बैठेंगे, थोड़ी बातें भी करेंगे। अभी टाइम पास हो गया और हम लोग को भी थोड़ा 2 पैसा आने लगा, तो लॉकडाउन में हम लोग ने ये काम किया। कितनी बढ़िया बात है, सोचिए जरा, देखिए लॉकडाउन हुआ और अपना कटलरी और जो छोटा मोटा सामान बेचना पॉसिबल नहीं हुआ, तो जो बिक रहा था वही काम शुरू कर दिया। वाह बहुत अच्छे, आप दोनों को सलाम है। और शारदा जी आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा, हम लोग इधर रहते ना मतलब अंबाड़ी गांव में, तो मेरे मम्मी पापा यहाँ से 9 किलोमीटर अंदर रहते चिंचौली गांव करके। उनका सपोर्ट नहीं है आपको कुछ? उनका सपोर्ट भी है हम लोग को, ऐसा नहीं कि नहीं है करके, सपोर्ट तो है बहुत सारा। मेरा एक भाई है, मतलब मम्मी पापा है साथ में सब, उनका बहुत सपोर्ट है हम लोग को। लेकिन ना मेरे को कैसा लगता है कि अपन खुद कुछ करेंगे, वो लोग तो आज भी हम लोग घर में बैठेंगे ना, तो वो भाई खुद बोलता है तेरे को नहीं जमेगा ना, तू घर में बैठ, हम लोग सब करेंगे तेरे लिए, ये टेंशन मत लेके, आदमी घर में बैठा अभी मैं जाएगी तभी मेरा घर चलेगा, ऐसा मत सोच। लेकिन मैं उनको यही बोली, नहीं मेरे को करने का है, अभी मेरे को करने दो, हम लोग देंगे नहीं देंगे ऐसा नहीं, वो खुद बोल ही रहे कि हम लोग देंगे तू आराम से करके खा ले, लेकिन मेरे को ही अच्छा नहीं लग रहा है कि अपन देखो अपन इतना स्वाभिमान से जीने का, हाँ तो कैसा अपन ऐसा भी नहीं ना बुढ़े हो गए, मतलब उम्र तो इतनी कम है और ये उम्र से अपन दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, मेरे मन में नहीं जमता है, इसके लिए मैं उनको मतलब ये। लेकिन चावल वगैरह होता है ना खेत में, तो लोग हम लोग को देते हैं, ये चावल देते हैं, थोड़ा बहुत इधर कुछ ऐसा सामान भी दे देते हैं भाई। बहुत अच्छा। शारदा जी, हाँ सर, नीलेश जी से मुलाकात कैसे हुई, कैसे इनके साथ? अच्छा मिले कैसे?
क्या हुआ, बताएगी सर क्या हुआ। हम लोग है ना, मतलब तीन भाई, मतलब मेरा एक भाई है बड़ा, मैं भी चले और मेरी छोटी बहन, ऐसा हम तीन जने भाई, तो भाई बहन। तो हम लोग ना क्या हुआ, मेरा भाई टीचर जब भी लगा भिवंडी में, वो डीएड करके आया और टीचर लगा भिवंडी में, तो हम दोनों को लेके गया, बहन लोग को, मेरे को और मेरे छोटे बहन को। तो वो सातवीं में थी, मैं दसवीं में थी। तो हम लोग उधर रहे, मतलब और मेरा पूरा ये एजुकेशन सब उधर हो गया भिवंडी में। हाँ, तो भिवंडी में हो गया। तो बाद में मैंने आईटीआई किया, और मैं आपको बोली क्या, मैं नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट में काम करती थी। तो उधर काम करती थी ना, तो इनकी मतलब मैं सुपरविजन का मेरा काम था ना उधर, तो इनकी जो मामी बोले, तो मामी इनकी मतलब मैं उनके स्कूल के ऊपर सुपरविजन कर रही जी। वो उधर टीचर थे, मतलब इनकी मामी, तो उन्होंने मेरे को देख के मतलब इनके बारे में एक दिन बताया ऐसे। अच्छा। मैं सुपरविजन के लिए गई थी। अच्छा। तो बोले ऐसा ऐसा हमारा भतीजा है। हाँ। लेकिन उनका यही प्रॉब्लम है, आपको मतलब कैसा, मेरा तो ऐसा आंख से दिखता है ना सामने, और चश्मा भी मैं पहले लगाती थी, तो उनको भी मतलब ऐसा, उन्होंने पहले मेरे को पूछा आपका आंख का क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कैसा, लेडीज लोग रह गए तो बातें करते 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 ही है, बिल्कुल सही। हाँ, निकल गया। तो मैं बोली ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन वो शादी की उम्र भी थी, तो उन्होंने ना इनके बारे में मतलब मेरे को बताया क्या शारदा देख तू ऐसा ऐसा, मतलब मैडम, वो तो मेरे को तभी मैडम ही बोली, क्योंकि मैं उनको ऊपर वाली थी सुपर करने वाली। तो बोले मैडम एक दिन अपन चाय पियेंगे क्या, बोले मैं तो ना बोली थी, बोले चाय मैंने पियेगी अभी, मैं तुरंत घर पे निकल जाएगी। बोले नहीं, थोड़ा पांच मिनट तो रुको बात कर। मैं भी बोली चलो इतना ये करते तो अपन भी ज्यादा ये नहीं करना चाहिए ना। सुपर रेजर हो तो बोले ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, वो तो उम्र से तो बड़ी है, तो ऐसी बात कर रही, तो बोले सुनना चाहिए ना क्या बोल के। तो बोले ठीक है, मैं घर में कॉल करके बताएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा है करके। तो बोले ठीक है, आजा घर में, ले चलेगा। तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने मेरे को एक चाय पीने का, हम लोग एक होटल में बैठे ऐसे बैठे बैठे, उन्होंने बताया क्या ऐसा ऐसा मैडम है, तो मेरा भतीजा ऐसा ऐसा है, उनका भी एक आंख, मतलब मेरा कैसा, मेरा जो प्रॉब्लम था उन्होंने पहले जान लिया कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप चश्मा भी लगाते हैं, मतलब ऐसा। तो मैं जो था वो सच बता दिया, क्या मेरा एक आंख पूरा प्लेन है, मतलब नजर ही नहीं है उसमें, जैसा इनका है वैसा ही, और हम दोनों का एक मैं बताएगी कि मेरा जो आंख मतलब दिखता नहीं मेरे को, वही आंख से इनको भी नहीं दिखता है। ओ, अच्छा। ये हमारे एक ये हो गई। तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा है, आपको जमेगा तो पूछ लेना घर पे। तो मैं बोले बाप रे, इतना तो मैं घर पे नहीं पूछेगी, कैसा पूछने का ना, नहीं तो वो लोग क्या बोलेंगे, तो स्कूल में जाके मतलब पहले ही कुछ ऐसा सोचते है, सेटिंग करके आ गई है। लेकिन वो गई, मैं घर पे गई, उनका सुना, लेकिन भाई कैसा, हम लोग भाई बहन ही रहते थे ना, मम्मी पापा तो हमारे गाँव में रहते थे इधर, और हम लोग भिवंडी में, तो ऐसे हम लोग खाना खाने बैठे, तो भाई को बोली एक बात बोलनी थी, तो भाई बोला इतना क्यों ये कर रही है, जो बोलना है बोल ले, क्योंकि हम लोग सब बात ऐसा खाना खाने बैठते तो तुरंत एक दूसरे के बात करते हैं ना। तो बोले बता ना तेरे को क्या हुआ है, वो बता। बोली कुछ नहीं, मैं कॉल किया था आपको, क्या मतलब मेरे को लेट हुआ होएगा ऐसा, तो वो इनके मतलब एक टीचर है स्कूल में, वो ऐसी ऐसी बता रही थी, कोई तो एक लड़का है उसका भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो देखने को आओ क्या, ऐसे बोली बोले। तो भाई बोला कौन है क्या पता, वैसा अपन थोड़ा मतलब ये करेंगे ना, पूछताछ करेंगे। देख बाबा बोला तो ये, वो मैंने आके बताया, मेरे को बाकी कुछ मालूम नहीं है। तो वो भी हंसने लगा उस टाइम, अरे तू क्या बता रही करके। बोले अरे बाबा कुछ नहीं, उसने जो बताया वो मैं तेरे को बता रही हूँ। भाई सोच रहा था बहन अभी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई भाई, लेकिन मेरे को अलग ही लगा, कैसा भाई को कैसा बताऊ, और वो मैडम भी क्या बोली, तू घर पे तू बता, हम लोग तो पहचानते नहीं तेरे घर वाले को, तो कैसा बताओ। बोले ठीक है, देखती हूँ क्या करना है। भाई को बताया, तो बाद में भाई ने भी सुना, भाई बोला चलो अपन देख लेंगे किधर का है लड़का, क्या कर रहा है। तो तभी तो ये तो परमानेंट इधर थे ना, काम पे लगे थे, मतलब लगे थे, बिल्कुल लगे ही थे, और मेरा भी वो जॉब चालू ही था, और भिवंडी में ही थे। तो भाई भी ऐसा सोचने लगा इनके बारे में, अच्छा है बाबा भिवंडी में, ये इनका काम भी भिवंडी में है, तो सब मतलब देखेंगे अपन आगे क्या होएगा, और आग का प्रॉब्लम ऐसा है, वो सब उन्होंने तो जो था इनका वो सब बता दिया था, मेरा भी जो है वो मैंने बता दिया था। तो भाई को मैं बोली, तो भाई बोला ठीक है अपन लोग सोच लेंगे, ऐसा हुआ। तो बाद में ये लोग देखने आए, तो हो गया।
घर वालों ने कहीं भी मना नहीं किया कि नहीं तेरे लायक नहीं है? तो क्या हुआ ऐसा, मतलब ये लोग देखने आए ना, तो मेरा भाई कैसा, मेरी भाभी भाई की शादी हुई थी बाद में, मतलब हम लोग तो 3-4 साल रह गए बाद में साथ में, और भाई की शादी हो गई तो भी हम लोग साथ में, तो भाभी और हम लोग ऐसे सब जन थे, तो इन बताया था ना मैं खाना खाने के टाइम का ऐसा ऐसा हुआ है, तो लोग सोच रहे थे क्या मतलब ऐसा है प्रॉब्लम, दोनों का सेम ही प्रॉब्लम है, लेकिन देखेंगे अभी पहले तो देखने दो कैसा है लड़का, कैसा है, अपने को जमेगा नहीं जमेगा ऐसा सोच लेंगे ना पहले। तो बाद में भाई ने मेरे को पूछा कि देख ऐसा ऐसा है तेरे को क्या लगता है, भाई मेरे को तुरंत बोला हम लोग को क्या लगता है वो जाने दो, वो साइड में रख, तेरे को तो पूरा जिंदगी बितानी है आगे, मतलब तो तेरे को क्या लगता है ये हम लोग को बता। तो मैं भी थोड़ा मतलब एक दो दिन गया, पूरा हफ्ता गया मतलब उसमें, तो मतलब एक हफ्ता गया ऐसा बीच में, तो मैं भी ऐसे काम पे जाती थी, अभी उनका स्कूल तो मैं गई नहीं, मतलब उन्होंने पूछा मेरे को तो सुपरविजन करने को, मैं 15 दिन तो गई नहीं उनके स्कूल में, बोले बाद में जाएगी ऐसा छोड़ दिया करके। और मैं भी सोचने लगी क्या मेरा प्रॉब्लम ये है, तो मतलब सामने वालों का भी प्रॉब्लम है, क्या पता बोले, मतलब वो देखेंगे तभी क्या होएगा क्या नहीं, वो तो आगे की बात है ना, लेकिन सोचना चाहिए कि उनका भी वही प्रॉब्लम है, एक दूसरे को संभाल सकते। देखो मैं भी अच्छे लड़के के बारे में सोचने जाएगी, चलो वो लड़का अच्छा रहेगा और मेरा प्रॉब्लम है, कभी ना कभी तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ, दिखने में कोई दिक्कत है, तो वो भी कभी बोला क्या अरे तेरे को तो इतना कम दिखता है, ऐसा मेरी सोच मतलब ऐसी हो गई, क्या वो मेरे को बोलेगा तो मेरे को, मतलब आपको लगा कि हम दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते? हाँ समझ जाएंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि उनको भी उतना मतलब प्रॉब्लम ही है और मेरे को भी, तो हम लोग ऐसे टोकेंगे नहीं ना एक दूसरे को, तेरे को किधर दिखता है तो मेरे को बोल रहा है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं हम लोग, ऐसा मैं मतलब मेरी सोच हो गई तभी, तो मैं भाई को बोल दिया कि भाई पापा ऐसा ऐसा है, तो मैं ऐसी सोच की है, लेकिन आप लोग आगे देखना क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरी ऐसी सोच है। अच्छा बोला ठीक है, आपके घर में कोई और है दिव्यांग, किसी को कोई और प्रॉब्लम है आपके घर? मेरे घर पे नहीं, किसी का आग का किसी का प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है? ओके, नहीं मेरे भाई में किसी को। चलिए बहुत बढ़िया शारदा जी, बहुत अच्छा लग रहा है बातें करके, अब थोड़ा सा नीलेश जी से भी जानते हैं। नीलेश भाई जी सर तो शारदा जी ने बताया कि भाई आपसे मुलाकात हुई, और आपके घर में क्या चल रहा था जरा ये बताइए। अभी फिलहाल तो मतलब अभी नहीं, समय जब शारदा जी की बात चल रही थी तब, तभी सर आपकी मामी ने आपको कब बताया, आपके माँ बाप को कब बताया जी? जब भी वो टाइम पे ये दोनों की, मेरे शारदा और मेरे मामी जी की बात चली, तो उसके ठीक एक आध हफ्ते बाद शायद, मतलब अभी इतना याद भी नहीं है, तो तुरंत ही बता दिया कि ऐसा ऐसा है करके। और मेरा ऐसा मतलब बैकग्राउंड तो ऐसा है सर कि कोई ऐसा, मैं ये लेडीज ऐसा फ्रेंड वगैरह ऐसा रूरल एरिया में रहने के वजह से किसी से लड़की से या फिर कोई बोलने का ऐसा कुछ है नहीं था मेरा, किसी से मैं आपकी किसी से दोस्ती दोस्ती नहीं थी आपकी किसी से नहीं थी, तो बोले के कैसे बोलने का, अभी ये स्टेज तो है, तो आदमी के मन मनुष्य जीवन में ये स्टेज तो होनी ही है ना, शादी होनी है, बोला ठीक है चला आया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो अरेंज मैरिज में ही तो सब अच्छा हो जाएगा। तो घर वालों ने थोड़ी दिक्कत की थी, मेरे माता जी ने, कि वही सेम प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो आगे का भविष्य कैसा होगा, सबके जो आता है कि भाई दोनों ब्लाइंड ब्लाइंड हो जाओगे कैसे चलेगा, कैसे वही सब आपके बातें फैमिली में चल रही थी। हाँ वही, लेकिन फिर किसने मतलब मनाया घर वालों को, कैसे हुआ? फिर मैंने माता जी को बोला कि आगे का मतलब आगे का किसने सोचा है, माँ ऐसा बोला फिलहाल तो हम लोग अभी अच्छे खासे काम पे लगे हैं, और आपने भी तो हमारे लिए बहुत सारे कष्ट उठाए, जो जितने सारे खुशी के पल मिलेंगे हम बटोरते जाएंगे, आगे का आगे देखेंगे, ऐसा सोचा, तो फिर हाँ बोले और शादी हो गई। कौन से साल में शादी हुई आप दोनों की? जी सर दिसंबर 9 में हुई सर, 2009 में। जी सर, तो अब आप लोग ये बताएं नीतेश भाई कि अभी आपने बताया कि आप गांव में रहते हैं, जी सर, तो आपके मदर फादर वगैरह ने नहीं कहा कि भाई तुम दोनों ब्लाइंड हो हमारे साथ रहो,
तुम तकलीफ उठाओगे, कैसे फिर अलग क्यों होना पड़ा आपको मम्मी पापा से? सर कारण तो ये था कि पहले ही घर एक खोली का था, जो हमारे माता पिता का है वो, मतलब एक छोटी सी खोली है, वो तो उनके मतलब मालिकाना की है। लेकिन हमारा जो परिवार है वो सिब्लिंग्स जो है मेरे, वो तीन भाई एक बहन, बहन की तो शादी हो गई थी, लेकिन कैसा प्राइवेसी तो होनी चाहिए ना सर शादी के बाद। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, शादी के बाद तो एक एक कमरे में तो नहीं चल सकता। अभी 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 मम्मी पापा की हेल्प वगैरह मिलती है कि नहीं मिल पाती है? अभी नहीं सर, वैसे तो हम उनको मदद करने के लिए अभी हमारी उम्र है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर कि हम मतलब कुछ कम पड़ गए उनको ये करने के लिए। उनका अभी अच्छे खासे बैठने का, आराम करने का टाइम आ गया और हम बाजू में हो गए और कुछ विचारधारा बदल गए। विचारधारा क्या बदल गई जरा बताएंगे? सर ऐसा हुआ कि जब भी हमारा शादी हो, हमारी शादी हो गई तो उनके मतलब उनके हिस्से में थोड़ी बहुत मतलब ये हमारे दादाजी के हिस्से से जो बंटवारा होता है, तो एक खोली और मिली थी, तो ऐसे ही बोला कि माता पिता को शेयर किया कि अभी शादी हुई है तो खाली सोने के मतलब रात के आराम के लिए तो वो जगह हमें दे दीजिए। तो उन्होंने हाँ हाँ बोला, उस टाइम पे उन्होंने वो खोली में ये टेनेंट रखा था, बढ़ोतरी रखा था। अच्छा। तो वो बोले कि उसका ये एग्रीमेंट खत्म होगा तो आप लोग वो यूज कर सकते, वो कमरा यूज कर सकते, ऐसा बोले। तो ठीक है बोला, तो ऐसे में छह माह निकल गए, मतलब मई का 2010 का मई आ गए। तो उसमें हमने वापस से माता जी को कहा कि उनका तो अभी एग्रीमेंट खत्म हुआ है, तो हमारे सामने सामने वो टेनेंट के पास से हमारे सामने से ही वापस से किराए का पूरा पैसा हमारे सामने से ही वापस से माता जी ने ले लिया, तो हमें बहुत दुख हो गया। बाद में ऐसा हुआ तो बाद में हमने कहा कि नहीं कहना था तो ना बोलते थे, आप तो हमारे पालन करता है, आपने जन्म दिया है। बल्कि उन्हें खुद ये कहना चाहिए था कि भाई अब आप दोनों की शादी हो गई है, आपको अगर हमारे पास है तो अलग से व्यवस्था हम कर देते हैं। हाँ जी सर, जी सर। तो ऐसा हो गया। बाद में कैसा हुआ कि मैं भी ट्रेनी पीरियड में था, तो मेरा करीबन मतलब 3,500-4,000 तक पगार आ जाता था और इसका 5,000 तक आ जाता था। तो वो माता जी क्या बोले कि वो पूरा दोनों का पूरा जो पगार है वो पूरा का पूरा पैसे हमको घर हमें दे दो, मतलब घर चलाने के लिए। अच्छा। मतलब ऐसा कारण बताए तो बोले कि दे तो देंगे लेकिन पूरा का पूरा देके फिर हमारे लिए मतलब आगे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ मनी मैनेजमेंट होना चाहिए ना सर। तो हमने बोला कि हमारे लिए भी तो थोड़ा रखेंगे, तो इसके वजह से थोड़ी बहुत विचारधाराएं बदल गई और बोले कि आप पैसे तो दो और वापस से घर का जो किराना सामान रहेगा वो भी भरो, अभी पूरा का पूरा पगार का पैसे देंगे वापस से किराना सामान के लिए पैसे कहाँ से लेंगे सर। बहुत सही। तो नीलेश भाई ये बताओ मुझे कि अभी आप ब्लाइंड हो गए पूरी तरह से। जी सर। शारदा जो है वो ठेले पे जाती है। जी सर। तो घर में जैसे काम सामान की जरूरत होती है, दाल चावल चीनी और तेल और छोटी मोटी चीजें, वो सब कौन लेकर के आता है, कैसे मैनेज करते हो ये बताइए जरा मुझे। अभी तो सर जनवरी तक, मतलब जनवरी एंडिंग तक तो वो ये मेरी शारदा ही लेके आती थी सब सामान वगैरह। और जनवरी में मैंने रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग ज्वाइन की एनएबी नैब मुंबई में। जी जी जी। तो वो मैंने लेट ज्वाइन क्यों की, क्योंकि मैं मतलब आदमी सोचता है किधर न किधर उपचार हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, इसके वास्ते मैं इधर उधर भटकता था। ऐसे ही नहीं कि जे अस्पताल में अपने मतलब डॉक्टर के देवता भारत के लिए जाने जाते हैं, वो डॉक्टर लाहने सर है, तो उनके पास पे भी मैं जाके आया तो उन्होंने भी ऐसे नकारात्मक भूमिका बोली कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तो इलाज के लिए इतना वेटिंग लगा, नहीं तो मैं वो रिहैब का ट्रेनिंग कब का कर चुका था। अभी जनवरी के बाद से मैं शारदा पैसे देती है,
तो मैं मोबिलिटी मतलब मार्च में मैं कंप्लीट करके आया रिहाब के ट्रेनिंग, तो अप्रैल से मैं मोबिलिटी करके नीचे जाता हूँ, उधर ठेले के पास मोबिलिटी करके जाता हूँ और सामान वगैरह शारदा पैसे देती है, तो वो पैसे बराबर अपना मोबाइल का ऐप है मनी करके उसमें से चेक करके या फिर थोड़ा बहुत ये हथेली के ऊपर रखते हैं ना वो चेक करने का, हाथ पे रख करके आप पहचान लेते हैं पाम सेट। तो अभी अभी भारत सरकार ने तो नोट काफी बदल दिए, तो दिक्कत नहीं होती आपको? दिक्कत तो होती है सर, इतनी तो मतलब फास्ट प्रैक्टिस नहीं हुई है, लेकिन वो ऐप के जरिए से तो चेक करता हूँ। ऐप के जरिए से काम हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं तकनीक का भी सहारा अब लेना शुरू कर दिया आपने धीरे धीरे। जी सर। और बाहर का काम अभी मतलब सामान वगैरह लाना या फिर खुद का सलून वगैरह करना या फिर जो भी कोई रहेगा काम आजू बाजू का पड़ोस का वो मैं चला जाता हूँ। दिलेश कभी लगता नहीं है, कभी सोचते नहीं है आपकी मतलब पत्नी काम पे जा रही है, मैं घर में बैठा हूँ, अभी कैसे आगे मतलब मैं उसको खुशियाँ दूँ, कभी आता नहीं आपके मन में? और अगर आता है तो फिर क्या सोचा है आपने उसके लिए? जी सर, इसके बारे में सोचता हूँ तो मन में बहुत मतलब मन के कोने में ये जो दुख दबा दला रखा है वो कभी ना कभी निकल ही आता है सर। तो मैंने सोचा कि अभी ये रिहैब का ट्रेनिंग करके थोड़ा बहुत कंपनी मैनेजमेंट के पास जाके फेस टू फेस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे काम के लिए वापस ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग करके मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया, सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो उसका कन्विंस करना है मुझे। तो और साथ में मेरा वही कहना है कि आपको भी लगता होगा ना कि शारदा को मैं आराम दूं, वो घर में थोड़ा रेस्ट करे, है ना? आपको भी लगता होगा कभी तो? जी सर। तो हमारा ये मानना है कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए आप, और जो मैं जानता हूँ कि जिस दौर से आप निकले हैं एकदम हिम्मत आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ही हैं जो आपको जगा सकते हैं, है ना? जी सर। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने भी कई सारी योजनाएं चलाई होंगी ना लॉकडाउन में, काफी मदद भी दी है ऐसा मतलब सुनने पढ़ने में आता है, तो आप लोगों को भी मिली वो मदद की नहीं मिली? कभी कैश बांटा है, कभी राशन बांटा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन में जो भी मदद दी गई वो मिली आपको? नहीं सर, माफ कीजिए, नहीं मिली। लेकिन मैं नैब में जब ट्रेनिंग पे था तो उनके जरिए 1,000 रूपए की मदद मिली। अच्छा, वो तो मिली आपको, लेकिन हाँ। लेकिन जो गवर्नमेंट ने भी तो जगह जगह मतलब ये किया ना, हेल्प की, राशन बांटा, ये सब कुछ भी नहीं मिला आपको? मिला नहीं सर, देखिए हम लोग ऐसे ना मिला ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ही ऐसा स्वयं होके उस भीड़ भाड़ जगह में डर के मारे नहीं जा पाए, या फिर हमारी सोच नहीं होगी कि नहीं जाना चाहिए, ऐसे ही चला लेंगे, ऐसे ही सोच लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शारदा जी, कहाँ खो गए आप, कौन से ख्याल? किधर नहीं खो गई, इधर ही हूँ। कभी आता नहीं है शारदा मन में कि मतलब हम भी थोड़ा सा मतलब औरों की तरह होते, हमारी लाइफ भी इतना स्ट्रगल नहीं होता? अभी 30 दिन काम पे जाने का कैसे मतलब मैनेज करते हैं आप? वही सर, क्या अभी सोचती, कभी कभी देखो औरत देख करके तो ऐसा मन में तो आता ही है, दूसरे औरत को देख के बाबा, दूसरों को देख के, हाँ कितना आराम है, वही तो आराम है बाबा, आदमी काम पे जाता है, औरत मस्त आराम से घर में बैठ के खाना बना के आराम करते। कभी कभी मेरे मन में सर आप बोले बराबर बोले, मतलब मेरे मन में भी आता है, लेकिन मेरा दूसरा मन है ना वो क्या बोलता है जी। अभी मतलब देखो इनकी ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अभी मेरा हो जाता तो क्या हो जाता, ये क्या सोचते हैं, ऐसे मेरे मन में आ जाता है और मैं तुरंत घर से बाहर निकलती हूँ चलो काम पे। अभी दूसरे का देखना नहीं, ऐसा मतलब बड़े लोग को मैं देखती नहीं कि ये ऐसी साड़ी पहन रही है, ऐसी घूम रही है, ऐसा करना है, मैं वो नहीं देखती। मैं क्या देखती हूँ, जो देखो अभी अपने को तो भगवान ने इतना क्या किया कि कोई कोई देखो कटोरा लेके साथ में दोनों हाथ में पकड़ के ऐसा मांग के खा रहे, उतना तो अपना ये नहीं है अभी। हाँ, ये अभी हाँ, ये मैं ये देखती हूँ कि चलो उनसे भी थोड़ा मैं अच्छी हूँ ऐसा मेरे यानी अपने से नीचे वालों को देख लेते हैं। नीचे वाले को मैं देखती हूँ, मैं मेरे से बड़ी मेरे बाजू में औरत रहती है ऐसी साड़ी पहन के निकलती है ऐसा कर, वो मैं कभी नहीं देखती हूँ। लेकिन कैसा औरत है, औरत के मन में आता है, मैं क्या बोली मेरे मन में आता है तो मैं ये तरफ जाती हूँ,
कि कैसा वो लोग भीख भीख मांग मांग के खा रहे हैं, कितना मिलता है, क्या मिलता है क्या पता। तो मेरे को भगवान ने उधर थोड़ी तो जगह मिली ठेला लगाने की, उधर दो पैसा मिलता है, मेरे मन में जो चाहे वो लेके आती हूँ, इनको भी खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, ये अपना बहुत बड़ा सुख है, ऐसा मेरा सोच है। ऐसा क्या दूसरे, ऐसा इसका देखो उसका देखो, ये कर रही है, मेरे को ऐसा करना है, ऐसा मैं नहीं करना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शारदा, लेकिन आप मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन नहीं नहीं प्रश्न मेरा ये है कि कभी तो मन में आया होगा, अरे यार क्या जिंदगी है, छोड़ दूं मैं अपने मर्द को, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, अभी वो ब्लाइंड हो गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके मन में आया पूछने का, क्योंकि लड़कियां मतलब आज के जमाने में, चाहे कई हम ऐसे कहानियां देखते हैं ना, जब एक दूसरे का साथ लड़के लड़की छोड़ देते हैं, कई जगह देखने को आता है। बराबर आप बराबर बोल रहे हो, लेकिन मेरे मन में सच बताओ सर, एकदम अभी आपने तो पूरा मन ही खोल दिया मेरा आज, क्योंकि ऐसा पूछा क्या मतलब मेरे मन में आया क्या नहीं, मेरे मन में सच बोलेंगे तो नहीं आया, क्योंकि क्यों नहीं आया, अभी देखो मैं इनको छोड़ के जाएगी, ठीक है बराबर, मैं जाएगी छोड़ के जाएगी, मेरे घर वाले तो पहली बात तो मेरे को लेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इनको छोड़ेंगे इसके लिए, मेरे से ज्यादा प्रेम इनसे करते हो लोग। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। सच में मेरा भाई बोले, मेरे मम्मी पापा बोले, सब मतलब इनको मतलब ज्यादा प्रेम करते मेरे से भी, ऐसी बात है। तो पहली बात तो ये होगी वो लोग मेरे को लेंगे नहीं, और मैं जाएगी जाएगी किधर जाऊँ, समझो मैंने दूसरी शादी करना सोचा, कुछ भी करना सोचा, मेरा ही प्रॉब्लम यही है, तो मेरे को समझने वाला कौन मिलेगा, ये भी एक सोच है ना, ये मेरे मन में सोच है। अभी दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छी बात है, अपन किसके लिए किस लिए इनको छोड़ के जाना है, मतलब ऐसा सोचना मन, इसे मैं करूँ नहीं, अपना है जो अपने जिंदगी में आया है, मतलब किस्मत में, हाँ किस्मत में ऊपर जो है वो अपना है बस, बहुत इनको छोड़ेगा ये भी किधर जाएंगे, ऐसी भी बात है ना। अभी तो आपने सुना है क्या मतलब घर से हम लोग कैसे बाहर निकले, कैसा क्या हो, तो ये भी किधर जाएंगे, ये भी बात है ना। तो अपन मतलब अपना सोचने का, चलो मैं ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन इनका कौन सोचेगा, मैं नहीं सोचेगी मेरे बिना कौन है, ऐसा ऐसी मेरी सोच है इनके बारे में। तो शारदा जी आज भी गई थी आप काम पर? हाँ सर मैं काम पर ही गई थी, आपका फोन मतलब रखा और मैं 5 मिनट के बाद में आ गई, ऐसा हो गया। फिर भी आपने प्रोग्राम के लिए समय निकाला, इतनी थकान के बावजूद बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को सच में बहुत खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी हो गई है, इन्होंने बताया ना मेरे को बहुत खुशी हो गई। चलो किधर ना मतलब अपने मन में जो जो चीज अपन ऐसा किसी को तो शेयर कर सकते, अपना जो प्रॉब्लम है सामने वाले को बोल सकते, मतलब कोई तो ऐसा समझेंगे ना कि भाई इनका ये प्रॉब्लम है, तो भी एक दूसरे को संभाल रहे। अभी देखो अच्छे अच्छे लोग भी कैसे करते हैं, ये मेरा आदमी ऐसा है, इसके पीछे जाओ उसके पीछे, वो काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग भी। बहुत बढ़िया, संभाल के लेना चाहिए। देखो भगवान ने अपना जोड़ी बांध के दिया ना, उसमें सुख आने दो, सुख आएगा तो अपन कितना आनंद से रहते, और दुख आया तो तोड़ने का ये बात गलत है, मेरे मतलब ऐसा। बहुत अच्छी सोच है शारदा जी, और आपको बहुत लोग सुन रहे हैं इस वक्त, ये रेडियो मधुबन का हमारा मंच ही इसीलिए है, रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन ने ये प्रयास इसलिए शुरू किया है कि हम वो आवाजें लोगों तक लाएं जिनको कोई सुनता नहीं है आमतौर पर। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो शारदा जी, कभी इतनी मेहनत करने के बाद महीने भर काम करने के समय कभी लड़ाई वड़ाई का समय तो बिल्कुल ही नहीं मिलता होगा आप दोनों को लड़ने का? वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत खटपट का समय मिल जाता है फिर भी है? वो तो निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो कौन सी बातों पे झगड़ा होता है, थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा है तो बताइए कि कौन सी बात पे झगड़ा किया, इधर क्या रख दिया, इधर गिलास रख दिया है, इधर कपड़ा रख दिया, ये रखते ही नहीं वैसा। सब अच्छा ही करके रखते हैं, ऐसा तो नहीं, कभी कभी कैसा मतलब दोनों हो जाता है, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कैसा होता है, मैं आती हूँ कैसा बाहर, पूरा दिन बाहर बैठती हूँ, गाड़ी का आवाज सुन के कौन सा कस्टमर कैसा आएगा उनसे बात करके, कभी थोड़ा टेंशन में रह गई और आके कुछ भी बात बताने लगे तो टेंशन आ रहा, चुप बैठो अभी मेरे को शांति रहने दो, ऐसा हो जाता है बाकी तो। ऐसा मतलब कुछ मतलब इसका बड़ा भांड ऐसा झगड़ा होता है, ऐसा हमारे में अभी तक तो नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नहीं तो होता है ना कि चलो अभी दोनों ही तो हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं। नहीं, नहीं, लेकिन मैं भी कैसा अभी क्या झगड़ने का, वो पहले से भी ऐसा नहीं कि अभी दिखता नहीं इसके लिए इतना ये करती हूँ, लेकिन पहले से ही ये भी काम पे जाती थी मैं भी काम पे जाती थी, पहले से हम दोनों एक दूसरे को संभाल ही लेते थे ऐसा, और अभी तो ज्यादा संभालने लगे ऐसा हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई। जी सर, जी सर। आपकी शादी को इतने साल हो गए। जी सर। तो होता है ना कि हम शादी के बाद आमतौर पर अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचते हैं कि बच्चे हों, तो आप लोगों ने भी सोचा होगा अभी इतने 9-10-12 साल आपकी शादी को हो गए, तो अगर आप बताना चाहें हमारे सुनने वालों को। जी सर। तो जरा इस बारे में कुछ बताइए। जी सर, ये मतलब हमारे ये आयोजित कार्यक्रम का बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, और यही मैं इसके लिए ही मैं तैयार हूँ कहने के लिए, शेयर करने के लिए कि समाज में ऐसी घटनाएं होती है और हम लोग इस तरह से हमारा जो रिश्ता है वो कैसे आगे चला है समझदारी से, वही कहना चाहूंगा। तो पहली दफा तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सर जी। हम लोग मैंने माता पिता से कहा था कि तीन भाई है छोटी को लिए, तो देखिए आप लोग घर पे रहे, तीन भाई अलग अलग खुली में रहेंगे, त्योहार कभी आता है, ऐसे मौके आएंगे मिलजुल के कार्यक्रम आते हैं, तो हम घर में आएंगे हंसी खुशी से राजी खुशी से रहेंगे जी। खाली क्या है कि 8 घंटे के लिए आपके बच्चे बाजू में रहेंगे बस जी। तो नहीं माने, जब भी हम लोग खोली से निकले मतलब घर से, आपने उनको कहा कि दिन भर और हर प्रोग्राम में हम आपके साथ रहेंगे, रात में खाली हम चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा अलग मौका मिले रहने का, अलग मौका जी, मिले जी, तो जी, समझ गया मैं, समझ गया जी। तो मेरे लिए नहीं, तो मेरे दूसरे छोटे दो भाई है उनके लिए भी कहा कि तीनों जन अलग अलग थोड़े रहेंगे प्राइवेसी के लिए, नहीं माने तो ठीक है बोला। मैंने समझाने की बहुत सारी कोशिशें की कि देखिए आपने हमारे लिए कष्ट किए, अब हमारा हक है कि हम आपको तैयार है मतलब आपको रिटर्न देने के लिए, तो नहीं माने। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने सिर्फ कपड़े हमारे जो थे कपड़े लिए, और मेरे कागजात इसने इसके कागजात तो ले लिए थे बराबर से, मेरी कागजात की जो थैली थी पूरी की पूरी वो उन्होंने छुपा के रखी। ओहो, आपके घर वालों ने? जी, अरे बाप रे, माता जी ने अरे राम। और ये हम लोग को कब पता चला, जब हम मतलब जार ठहरने वाले थे वो खोली पे गए, तो था तो खाली दो तीन थैलियों का सामान ही था और एक ऐसी गठरी थी कपड़ों की, तो कपड़े तो मिल गए, मेरे कागजात की थैली देख रहा हूँ तो वो नहीं है। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिशें की घर जाकर माता पिता से, मतलब रोना धोना भी किया, रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया जी, जी। कि वो कागजात दो, तो मतलब ऑलरेडी मैं काम पे तो था लेकिन भविष्य किसको पता है सर, मालूम नहीं ना। सही। तो नहीं देंगे कागजात, हम लोगों ने जैसे मतलब कड़क कष्ट किए बर्तन मांजे, मतलब ऐसा बोलने का तरीका, तू भी वैसे जाके बर्तन मांज लो ऐसा वैसा। अरे मतलब अपने माँ बाप के अपने बच्चे को ऐसे बोल सकते हैं क्या? अभी मतलब मैं एक्सपोज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समाज के लिए बताने के लिए शेयर कर, क्योंकि आपके साथ तो बीती है ना नीलेश भाई ये सब। मैं मतलब ऐसा झूठ मूठ का मैं, मेरे माता पिता देखिए सर, मैं भगवत गीता पे मैं बहुत मेरी श्रद्धा है जो है मेरे माता पिता है, माता पिता के सिवा मैं अपने भगवान कोई नहीं है, ये तो जग जा ही रहे सर, लेकिन क्या करे सर। लेकिन हुआ आपके साथ ऐसा, चलिए आगे आगे बताइए। तो रिक्वेस्ट की नहीं बोल रहे, तो उन्होंने क्या किया कि मैंने काम पे खाली जेरोक्स देखे मैं काम पे लगा था, तो उन्होंने भी मेरी अच्छाई मतलब मैंने भगवान ने मेरी कुछ ना कुछ अच्छाई देखी रहेगी, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल मांगते हैं, तभी भी गया नहीं दी कागजात नहीं दी, तो ठीक है चलो दिन ढल गए। बाद में उन्होंने क्या किया, कंपनी में आके मेरे माता पिता ने साहब से सब घर की जो मतलब प्राइवेट बातें रहती है जो किसी को बतानी नहीं चाहिए, घर का मामला है घर में ही सुलझा लेंगे तो अच्छा है, कंपनी में आके
कंपनी में आके सब बवाल कर दिया और कंपनी में आके बोले कि तुम मुझे पैसे नहीं देते। देखिए मैंने कहा कि पैसे देने का सवाल नहीं, मैंने तो मेरी पूरी कमाई में आपके मतलब न्योछावर हूँ, मेरी कमाई नहीं मेरा पूरा शरीर आपका है, आपके गोद से आपने ही मुझे जन्म दिया है तो मेरा किस बात का हक बनता है, ऐसा मैंने बोला। तो नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, ठीक है। तो दिन गुजर गए, ऐसा हो गया। बाद में ऐसा हुआ कि वो कागजात का हो गया। बाद में अनजाने में अभी नया नया शादी हो गया हम लोगों ने, मतलब ये हो गया, गर्भ रह गया मेरी शारदा को, पत्नी को। तो ऐसा मतलब अनजान रहते हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं अनुभवी लोग रहते हैं, अभी नया नया जोड़ी रहता है तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहता है क्या आगे जाके क्या करते, मतलब क्या दिक्कतें आती हैं, क्या समझदारी रखनी पड़ती है। जब ये आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो ये नॉलेज नहीं था आप दोनों को? नहीं था, इतना भी नहीं था। समझ गया। तो मतलब शादी जब हो गई जी, तो वही टाइम पे शारदा को थायराइड की थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दी। अच्छा, थायराइड के। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों को नहीं पता कि थायराइड का इतना लक्षण भारी पड़ सकता है, मतलब गर्भ धारण करने के लिए जी। तो बाद में डॉक्टर ने मतलब उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि मुझे बताया कि मेरी लंबाई ज्यादा है, मतलब आनुवंशिक विकृति बोलते हैं जो मार्फन सिस्टम, तो मेरी आंख की बीमारी बोले जन्म से ही है तो आपके बच्चे में उतर सकती है। तो वो मार्फन सिम्टम क्या बोले डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, देखिए सर हम क्या है वो हमें पता नहीं रहता है, डॉक्टर बोलते है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। सही है। तो डॉक्टर बोले कि ये सिम्टम कैसे रहते हैं कि दिल का जो अपना ये रहता है वॉल रहता है उसकी बीमारी रहती है, आंखों की बीमारी रहती है, या फिर शरीर पॉसिबल से ज्यादा लंबाई शरीर की बढ़ती है, शरीर में ताठरता मतलब कड़कपना ज्यादा आता है, तो ऐसे ऐसे सिम्टम आ जाते हैं। तो ऐसे सिम्टम अगर बच्चे में आएंगे तो वो आपको पूरा लाइफ वो बच्चे को ऐसे ही मतलब बेड पे ही सुला के पालन पोषण करना पड़ेगा। तो दो तीन गर्भपात ऐसे ही हुए शारदा के। तो डॉक्टर ने वो टाइम कुछ पता ही नहीं। इस टाइम में भी दुख के समय में भी हमारे माता पिता ने कुछ मतलब, मैं अभी बोलना नहीं चाहता क्योंकि जो है वो पानी में हम लोग कूदे तो हाथ पैर हमें ही हिलाने, ऐसा सोचो, तैरना तो हमें ही, ऐसा तैरना तो आप ही लोगों को है, बस सही है, ऐसा सोचा। नीलेश भाई अभी कोई चांस है आगे फ्यूचर में, डॉक्टर क्या बोलते हैं? अभी क्या हुआ सर कि डॉक्टर ने बोला डोनर सीमेंस करो। अच्छा, डोनर? हाँ, डोनर सीमेंस करो, मतलब मेरे लिए, मतलब पुरुष का दोष निकालो। तो वो लोग बोले कि हम लोगों ने डॉक्टर से सब ऐसे गुणसूत्र तपासने, वो जेनेटिक वगैरह ऐसा रहती है कुछ, तो वो सब चेकिंग करवा के लिए। तो हमने क्या किया, ऐसा सोच लिया कि हमें बच्चा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम पति पत्नी के रिश्ते को नकार नहीं दे सकते ना सर, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही हम लोगों ने ऐसा किया कि पॉजिटिव रखा कि आगे जाके बच्चे रहेंगे नहीं रहेंगे हमें पता नहीं, लेकिन पति पत्नी तो साथ में है। हाँ, मतलब आप दोनों ने सोचा कि भाई कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये हाँ, क्या कम बात है, बहुत ये क्या कम बात, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त बात कही आपने नीलेश भाई। और देखिए सर एक एग्जांपल यही देना चाहता हूँ कि मतलब वो मैंने समाचार में ही सुनी थी, एक मुंबई में ऐसी महिला अकेली ही रहती थी, बूढ़ी थी बेचारी, और लड़का अमेरिका में रहता था, तो दो तीन महीने से मतलब पिछले दो तीन महीने से कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, आना जाना नहीं, तो इसने भी माँ से कांटेक्ट नहीं किया और माँ बेचारी घर में मर के पड़ी है। दो महीने तक उनका शव रखा रहा था। खैर जी चलिए, खैर वो तो सब ठीक है अपनी जगह, वो जमाने में तो खैर सारी बातें हैं ही, अच्छाई भी है तो बुराई भी है। शारदा जी, दोनों पहलू। शारदा जी सर, आप मतलब हम यही कह सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी तरह की चिंता अपने दिमाग में मत रखिए, और जैसे आप हंसती हैं ऐसे ही हंसते खेलते, ऐसे ही हंसते हंसते ही अपना जीवन बिताइए,
क्योंकि कहते हैं ना वो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है ना। तो आज ये मौका है इस प्रोग्राम के माध्यम से, अगर आप जो भी इस कार्यक्रम को सुनता है उनको अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए, क्योंकि अब समय समाप्त होने वाला है इसलिए। अच्छा मैं तो यही बताएंगी सर, मतलब देखो बच्चे ये सब तो ठीक है, वो तो आगे जाके सब होने वाला ही है बात है ना, लेकिन एक दूसरों ने मतलब ऐसा पति पत्नी ने एक दूसरे को संभालना चाहिए, कौन सा सुख में या दुख में दोनों में भी कैसी भी परिस्थिति आने दो तो एक दूसरों ने एक दूसरे को संभालना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पति ने पत्नी को मतलब संभालना चाहिए, नहीं तो पत्नी ने पति को ही संभालना चाहिए, ऐसी बात नहीं मैं बोली, मैं बोली कि दोनों ने भी एक दूसरे को संभालना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। निलेश भाई जी सर, जी अगर आपको लगता है कि भाई आप जॉब करना चाहते हैं ना, आप काम कर सकते हैं, अगर आपको समाज से किसी से भी कोई उम्मीद है जी सर, तो आज आप वो बात इस मंच पर रख दीजिए, अगर आप दुनिया से कुछ चाहते हैं तो। जी सर, मैं तो पहला ये प्रश्न के लिए भी मैं आंसर दूंगा, थोड़ी बहुत मतलब माफी चाहता हूँ सर, थोड़ा और भी बोलना चाहूंगा कि हम सभी रिश्ते पक्के करने चाहते हैं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर कोई क्यों ध्यान नहीं देना चाहता, ये रिश्ता इतना मजबूत क्यों नहीं होना चाहता, जैसे कि मतलब घोंसला है, घोंसले में चिड़िया चिड़िया के बच्चे रहते, बड़े होके तो वापस उड़ ही जाते, ऐसा है बाद में रहते मतलब वो जोड़ा ही रहता है, तो पति पत्नी ही ये नाते के लिए मैं थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहता हूँ कि आप पति पत्नी के नाते के ऊपर थोड़ा समझौता करिए, आगे जाके लाइफ में एंड तक यही है, आप ही एक दूसरे का सहारा है। देखिए हमारे बच्चे है नहीं, इसलिए हम लोग बच्चे की निगेटिविटी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन पति पत्नी ही मेन है आगे जाके। अभी आप ये बताइए कि आप अगर समाज से किसी से भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई उम्मीद है, तो किस तरह की हेल्प चाहिए आप वो बता दीजिए, और साथ ही साथ आप कार्यक्रम के अंत में हैं, हम बिल्कुल आप सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए, ताकि कोई भी सुनने वाला अगर चाहे तो आपकी अगर कोई मदद कर सके तो आपसे संपर्क करें। जी सर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लानिंग इस विषय पर मेरी बहुत सारी रुचि है, तो इसके बारे में मैं समाज में अवेयरनेस कैंपेन करना चाहता हूँ, मतलब मैं जो भी अननोन या हो या नॉन पर्सन हो, आप आपके खुद के लिए क्या चाहते हैं वो बताइए। यही सर, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में और मैं नौकरी बचाने के लिए मैं थोड़ा। आप फाइनेंशियल एडवाइजर की नौकरी कर सकते हैं, मतलब कर सकता हूँ। आपको अच्छा नॉलेज है फाइनेंस का? हाँ अच्छा, तो नहीं देखिए सर, हर कोई विद्यार्थी रहता है, मतलब मैं फुलफिल करने के लिए पूरी तरह भी कोशिश कर रहा हूँ। आपका नंबर बता दीजिए, ताकि अगर कोई भी मदद करना चाहे आप लोगों की तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। जी सर मेरा नंबर है 9273111915। जी 9273111915। जी सर। चलिए तो श्रोताओं, हाँ आपने सुना आज बहुत ही एक अलग सी कहानी शारदा जी की और निलेश जी की। दोस्तों कहते हैं त्योहार आता है सबके लिए खुशियां लेकर के आता है, हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बस यही कामना कर सकते हैं कि निलेश जी और शारदा जी के जीवन में भी हमेशा खुशियां आए, और इसी प्रकार स्वाभिमान से ये लोग और तरक्की करते जाएं, और इनके जिंदगी में कभी कोई कष्ट ना आए, कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी किसी के आगे इनको हाथ नहीं फैलाना पड़े। बस दोस्तों आप देखिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए किसी भी तरह की उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम में हमेशा हम बोलते हैं कि कोई भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप पति पत्नी हैं, आप अपनी बात जमाने के सामने लाना चाहते हैं, आप अपने संघर्ष को बताना चाहते हैं, आप समाज और परिवार से मिले हुए दुख दर्द को बयां करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की बात आप अगर समाज के सामने लाना चाहते हैं, तो ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, और रेडियो मधुबन भी आपका इंतजार कर रहा है। कहां पर? 94-14-15-14-15 कॉल लगाइए और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। एक बार फिर सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार।